हाँ तो भाई, अगर वीडियो में आपको व्यूज चाहिए तो एडिटिंग आपका सही होना चाहिए, तभी ऑडियंस इंगेज रहेंगे, मतलब कि उस वीडियो से चिपके रहेंगे, देखते रहेंगे आपके वीडियो को, और आपके वीडियो पे वॉच टाइम ज़्यादा आएगा तो उस वीडियो को यूट्यूब खुद ब खुद दूसरे लोगों तक सजेस्ट करेगा। आप लोग सब जानते हैं कि जिस वीडियो पर ऑडियंस ज़्यादा देर तक रहता है उसको यूट्यूब खुद आगे सजेस्ट करता है। तो भाई, उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है यूट्यूब वीडियो के लिए। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा आपको। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि अपना ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कैसे करना है आपको। जैसा कि मैं, देखिए दोस्तों, रिमूव करके वीडियो बनाता हूं, ठीक है। मेरे पीछे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा नहीं होता है, बहुत ही मतलब बेकार होता है, क्योंकि मेरे घर के दीवार वाल भी उतने सही नहीं है कि मैं सही से वीडियो बना पाऊँ। तो मैं हर वीडियो में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग भी बहुत लोग करते हैं, मगर आप लोग में से क्या होता है ना कि उसका कंधा पर जो है कि ग्रीन ग्रीन दिखता है, कभी कभी बालों में ग्रीन दिखता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपका वीडियो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके भी वीडियो में ग्रीन स्क्रीन आप लगाएंगे मगर आपके कंधों पर ये सब नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहला, दूसरा नंबर पर चलते हैं। तो दूसरा नंबर पर ये है दोस्तों कि ब्लॉगिंग वाले के लिए मैं इसमें कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, मतलब कि वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ उनको भी। ब्लॉग लोग दिन भर का बनाते हैं मगर उसको लोग आके कट करके बढ़िया से जोड़ नहीं पाते, उसको एडिटिंग सही से नहीं कर पाते, ठीक है। कर भी लेते तो उसकी वॉइस ओवर सही से नहीं हो पाती उनके पास। ओके, तो मैं आपको वॉइस ओवर और एडिटिंग उसका सिखाऊंगा ब्लॉग वाले के लिए, ठीक है। दो हो गया। तीसरा नंबर पर जैसे कोई टेक्स्ट आता है ऐसे चल करके, कोई मतलब इमोजी आ गया ऐसे चल कर, उसमें टक टुक आवाज़ वाज मतलब डालना अपने वीडियो में, ठीक है। वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ दोस्तों, जितना मैं जानता हूँ आपको टोटल चीज़ सिखा दूंगा। आप लोग भी देखोगे मैं किसी किसी वीडियो में उतना इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा एडिटिंग तो मैं नहीं करता क्योंकि मेरे खुद असकत लगता है करने में, आलस टाइप का लगता है, ठीक है। मगर आपको मैं सिखा दूंगा, आप चाहे तो हर वीडियो में अपना कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर किए यार वीडियो में एक बात बोलूंगा आपको कि एक लाइक मार दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, हम आ गए यहाँ पर काइन मास्टर में। देखिए काइन मास्टर का इंटरफेस कुछ इस टाइप का दिखता है जब आप स्टार्टिंग में ओपन करेंगे तब, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों क्रिएट पर, इस पर मैं क्लिक किया। देखिए क्रिएट पर क्लिक करते ही यहाँ पर साइज के लिए आ गया, तो साइज हमको 16:9 ही रखना है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो के लिए यही साइज होता है दोस्तों। इस पर रख करके हमको नेक्स्ट पर यहाँ पर देखिए क्लिक कर देना, ये हमारा नेक्स्ट का ऑप्शन है। इस पर मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको मतलब ये बोला कि आप वीडियो यहाँ से लीजिए, कोई भी मतलब जिसको आपको एडिटिंग करना है। जैसे कि मैं इस पर जाता हूँ अपना शेयर मी पर, मैं ये एक वीडियो मान लीजिए कोई भी ले लेता हूँ, जैसा कि ये वाला वीडियो मैं ले लिया, ठीक है। अब ये वीडियो लेकर के हम यहाँ पर कट कर देंगे, ये कट का ऑप्शन आता है ऊपर में, इस पर हम यहाँ से बैक हो जाएंगे, तो ये हमारा वीडियो दोस्तों आ गया है, ठीक है। मगर अभी क्या होगा कि इस वीडियो से आप स्क्रीन जो है ना पीछे का रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसे ही चलेगा बस, ओके। इस पर आप रिमूव नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ से ना लेकर के इसको हम डिलीट करते हैं। अब जैसा कि मैं काइन मास्टर में आता हूँ, फिर से स्टार्टिंग में दिखाता हूँ आपको, क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ, 16:9 रहेगा, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आऊँगा, एक बैकग्राउंड पर लूँगा। आप चाहें तो बैकग्राउंड यहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इमेज यहाँ लिखा है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कई सारे आपके काइन मास्टर के यहाँ पर बैकग्राउंड मिल जाएंगे, ओके। मगर मैं यहाँ से ना लेकर के मैं एक खुद से बैकग्राउंड अपना बनाया हूँ, उसको मैं लेता हूँ। देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ पिक्सल लैब पे, तो हमने इस पिक्सल लैब में ही बैकग्राउंड बनाया, ठीक है। ऐसा ही मैं बनाता हूँ हमेशा कोई भी वीडियो के लिए, अपना खुद से एक बैकग्राउंड बनाता हूँ पिक्सल लैब में। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए दोस्तों हमारा बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। ये हमारा वीडियो के दोस्तों बैकग्राउंड आ गया, एक नंबर का बना हुआ, ओके। अब इस पर हम टिक कर देंगे सही वाले पे, ये देखिए हमारा सही वाला होता है, ओके। इस पर देखिए हम क्लिक कर दिए। अब हम चलते हैं एक वीडियो लेने दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर से, देखिए लेयर पर, इस लेयर पर हमको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर लेयर पर क्लिक करते हैं, फिर से ऊपर मीडिया दिखाई देता है दोस्तों आपको, ये मीडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं, चलते हैं वो वीडियो ले लेते हैं कोई भी, हम एक मिनट का मान लीजिए कि इसी को ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। ये वीडियो हमारा हो गया, इसको थोड़ा सा खींच करके आपको लंबा करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर तीर मार के दिखाऊँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना और इस पर रख करके उंगली ऐसे खींचेंगे तो देखिए लंबा होगा दोस्तों ये, ठीक है। इसको ऐसा लंबा कर लेंगे आप। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इधर में आना आपको, ठीक है। ये देखिए इधर में इसको सेटिंग को हम थोड़ा सा ऊपर से घसकाएंगे, देखिए जैसे मैं घसका रहा हूँ ना, है ना। इसमें देखिए यहाँ पर क्रोमा की दोस्तों लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक तो ये होता है दोस्तों क्रोमा की, ओके। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको देखिए दोस्तों इनेबल करेंगे थोड़ा सा हम, ठीक है। ये वाला है ना, इसको इनेबल करके अब ये देखिए कैसा दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसको थोड़ा सा आपको आगे पीछे करके मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। देखिए मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ, फिर भी ये दोस्तों मेंटेन नहीं हो पा रहा, बहुत ही बारीकी से आपको ये काम करना है, ओके। यहाँ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा करेंगे तो कहीं देखिए मुँह पर गंदा हो जा रहा है ना चेहरे पर,
तो कभी ऐसा हो जा रहा है। तो इसको दोस्तों एकदम बारीकी से ध्यान से करके आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जैसा कि मैं अभी यहाँ पर किया हूँ। देखता हूँ इसको मैं ओके करके कैसा हुआ है, ठीक है। ये देखिए इस पर ओके करेंगे। अब इस वीडियो को हम चला के देखते हैं। देखिए दोस्तों फिर भी उतना सही से नहीं हो पाया है ना। इसमें देखिए पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पर बालों में भी कुछ दिख रहा है हल्का हल्का करके, यहाँ पर भी दिख रहा है, कंधा पर भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना। अब इसको हम सही से रिमूव करना आपको सिखाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ तक तो हम कर ही दिए जितना होना था इसको, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर रोकेंगे, ओके। उसके बाद थोड़ा सा हम फिर से इस पर जो है कि इसे ब्लू वाले पे टिक पे हम क्लिक करेंगे, इस पर ब्लू वाले पे, ठीक है, जो हम बैकग्राउंड लिए थे इस पर हम एक बार क्लिक करें तो ऐसा कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको सेटिंग मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे करके यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये वाला एडजस्टमेंट, इसमें करके हम एडजस्ट करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिया एडजस्ट पर। उसके बाद देखिए ब्राइटनेस सबसे ऊपर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे हम कम बेसी, जहाँ पर हमारा सूटेबल लगे, सही लगे कि हाँ अब यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आपको उस टाइप से करके इसे रखना है। देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर हल्का से यहाँ पर सही हो रहा हमारा, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे थोड़ा सा, देखिए ब्राइटनेस, ठीक है, कंट्रास्ट जिसको बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करना है। देखिए ये वीडियो है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे फिर से वही काम करेंगे, नीचे चलेंगे, ओके। यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट, इस पर हम फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको भी सेव करेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा देखिए कलर कैसा हो रहा है ना। देखिए बालों का कलर जो है हमारा ब्लैक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसा देखिए ब्लैक, ओके दोस्तों। इसको भी थोड़ा सा कर देंगे ऐसा करके। ये देखिए जहाँ पर मतलब लगे आपको ऊपर नीचे इसको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कंट्रास्ट है दोस्तों, इसको करके आपको ऐसे देखिए सेव करना पड़ेगा जहाँ पर आपको लगे सही। उसके बाद फिर से यहाँ पर हम सही कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर सही करेंगे। हमारा कुछ हद तक दोस्तों चला गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम इसी पर क्लिक करेंगे अपने वीडियो पर, ग्रीन वाले पर, ओके। अब क्रोमा में जाएंगे, फिर से हम यहाँ पर क्रोमा है हमारा। उसके बाद इस पर हम कलर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्रोमा कलर, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। हम इसको थोड़ा सा कलर दूसरा दे के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा कलर मिल जाता है, कलर दूसरा दे के देखते हैं, हो सकता है कहीं पूरा ग्रीन ना होने की वजह से भी हमारा रिमूव नहीं होता है सही से, ठीक है। इसको देखिए पूरा कलर दूसरा दे करके फिर से हम एक बार ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा लगभग में पूरा नीचे ऊपर चारों तरफ का क्रोमा जो है कि रिमूव हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा, नहीं ऊपर नहीं शर्ट पे, कहीं पर भी, ठीक है। देखिए आप कैसा दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहाँ पर हाथों में भी उतना नहीं आ पा रहा है, ठीक है, मतलब क्लियर हो गया। देखिए उंगली में साफ साफ दिखाई देता होगा, ओके दोस्तों। ऐसे करके हम लोग ग्रीन स्किन को दोस्तों रिमूव करते हैं, किसी भी ग्रीन स्किन को ऐसे ही रिमूव करना है, ठीक है। पूरा का पूरा क्लियर हो गया, एक भी ग्रीन आपको दिखाई नहीं देता होगा। यहाँ पर बालों का रंग देखिए सब कुछ सही हो गया। अब चलते हैं ब्लॉग वाले के लिए, ठीक है। ब्लॉग वाले तो मान लीजिए ग्रीन स्किन को रिमूव तो करते नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं स्टार्टिंग से उनको दिखाता हूँ फिर से। जैसा कि मैं यहाँ बैक आ गया, क्रिएट पर गया, यहाँ पर 16:9 को क्लिक किया, नेक्स्ट पे मैं गया, सीधा यहाँ से एक वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक वीडियो ये ले लिया, एक वीडियो और ले लिया, दो तीन, ठीक है। ब्लॉग का है कि दिन भर शूट होकर एक लास्ट में बनता है ब्लॉग, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 मिनट का हमारा वीडियो हो गया है, ओके। अब इसको हम पूरा आगे कर लेंगे, उसके बाद चला के देखेंगे इसको हम। देखिए ऐसा है ना, जहाँ पर हमको लगता है कि आवाज़ मेरा मतलब कि वहाँ से अब आगे से मतलब जैसा कि ये है ना, यहाँ से मैं देखिए तैयार हो रहा हूँ यहाँ पर, अब मेरा यहाँ से देखिए आवाज़ निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रोक देंगे दोस्तों और फिर से अपने वीडियो पर ही क्लिक करेंगे, ठीक है। रोकने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। हम वीडियो पर देखिए फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्ट्रीम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, सीजल का ऑप्शन, मतलब कि कैंची टाइप का, ठीक है। उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करते देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन चार मिल जा रहा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कुछ चार ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस चारों को पहले समझ लीजिए क्या है दोस्तों। देखिए ट्रिम टू लेफ्ट दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल रहा ना, लेफ्ट राइट है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, ठीक है। तो आप जैसे बैठे हैं उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर डिसाइड होता है कि लेफ्ट और राइट कहाँ पड़ता है, ठीक है। अगर ऊपर में आप क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट वाला दोस्तों खत्म हो जाएगा, ठीक है, आपके हाथों का जो है लेफ्ट वाला ये, ओके ना। और नीचे वाला पर अगर क्लिक करते हैं जो ये लिखा हुआ है दोस्तों, तो इस पर राइट का आपका खत्म हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट वाला क्लिक करता हूँ। देखिए लेफ्ट का हमारा जो आगे का था ना, जो नहीं बोला गया था, वो पार्ट हमारा खत्म हो गया, ओके। देखिए दोस्तों अभी आप लोग कमेंट मत करिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे यहाँ पर। मान लीजिए कुछ आपको यहाँ पर लगाना हो, वैसे ब्लॉग में तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, मगर फिर भी अगर कुछ आपको लगाना हो जैसे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ जैसे कि लगा करके। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, ला कर रख दूँगा जैसे यहाँ कुछ लगाना है, ओके। अब आपको यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है दोस्तों, ये लेयर, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ मीडिया पे जाएंगे। जो भी आपको कुछ लगाना हो तो आप यहाँ डाउनलोड में जाएंगे, जो भी आप रखे होंगे, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाऊँ,
चलिए मैं इसी को दिखाता हूँ, जैसे कि मान ली एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे छोटा या बड़ा कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों कैसे यहाँ पर लाना आपको उसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सेट कर दिया, ओके ईयर आ गया। अब देखिए जैसे दोस्तों ये वीडियो चल रहा है, मुहिम चल रहा है कि भाई 15 दिन में, मतलब सिंपल सा आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी आवाज वाज कुछ भी नहीं आ रहा है। इसको सिंपल ना करने के लिए हम इसी पर क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए नीचे जाना, ये जो है ना यहाँ पर कुछ सेटिंग मिल रहा है आपको, इसको थोड़ा सा ऐसे करके एनिमेशन, मतलब इन एनिमेशन लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, ये देख सकते हैं दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसको थोड़ा सा पॉप कर देंगे ऐसे, देखिए ऐसा करके, ठीक है। पॉप करके थोड़ा टाइमिंग यहाँ पर बढ़ा देंगे, देखिए यहाँ पर मैं टाइमिंग बढ़ा दिया ना, टाइमिंग यहाँ पर है ना, टाइमिंग का ऑप्शन देता है नीचे में, उस पर करके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है, यस कर देना। अब देखिए कैसा दिखाई देगा, मुहिम चला है कि भाई 15 दिन में 15 वीडियो ऐसा आया ना। अब चाहे तो इसका टाइमिंग और थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा हमको यहाँ पर, टाइमिंग यहाँ पर कम कर देंगे तब थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। मैंने बढ़ा दिया था गलती से, सॉरी, ठीक है भाई 15 दिन में 15 वीडियो। अब यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ हम लाते हैं, टुक टक का आवाज़ थोड़ा आएगा ना, और भी मज़ा आएगा। जैसे आवाज़ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, म्यूजिक पर, ठीक है, इस पर चलेंगे। उसके बाद हम म्यूजिक में यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। म्यूजिक में आते के साथ यहाँ पर हम वो ऑडियो को ले लेंगे, ठीक है, जो हमारा ऑडियो होगा, ओके। तो मैं देखिए पॉप वाला लेता हूँ, इसको देखिए सुनिए आप, ओके। इस पर मैं क्लिक किया, यही मेरे को चाहिए वहाँ पर लगाने के लिए। देखिए इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, इस प्लस वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस पर। अब देखिए ये हमारा लग गया, उसके बाद यहाँ से हम कट करेंगे डायरेक्ट, यहाँ से देखिए कट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा लग गया। अब मैं आपको सुना के दिखाता हूँ, सुनिए, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ईयरफोन लगाया, ओके, क्योंकि माइक वाला ईयरफोन, अगर कान वाला ईयरफोन है तो मेरे को सुनाई देता, तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट करता सही से। आपको भी यहाँ पर एडजस्ट करना है दोस्तों सही से, ठीक है, जहाँ पर ये मतलब ऐसा लगे कि हाँ ऐसा मतलब हो रहा है डायरेक्ट एकदम, उसी जगह पे आप आवाज़ आना चाहिए, ठीक है। ऐसा करके दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं सेट, कोई भी इमेज, कोई भी वॉलपेपर ला के यहाँ पर कोई भी आवाज़ ला के सेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि मान लीजिए कई तरह का हमने, जैसे कि यहाँ पर 3 वीडियो लिया हुआ है, ओके, अब तीनों वीडियो में आवाज़ चेंज है, तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा छोटा ऐसा करके दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं ये 2 वीडियो है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 पार्ट्स में हमने वीडियो को लिया हुआ है, ठीक है, ये दिन भर का हमारा वीडियो ब्लॉग बना हुआ है। अब इसमें आवाज़ चेंज है, तो क्या करना है मेरे को, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा अपने वीडियो पर, अरे ये देखिए यहाँ पर माइक का दोस्तों आवाज़ आ रहा है, ठीक है, ये वाला है ना आवाज़ वाला सिस्टम, इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आवाज़ देखिए दोस्तों पूरा आपको 0 करना है, ये वाला, ओके, यहाँ देखिए 0 कर देंगे। अब देखिए ये यहाँ से कुछ भी नहीं बजेगा, ओके, कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपको वॉइस ओवर करना है नेक्स्ट, मतलब ठीक है अपना आवाज़ डालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इस पर क्लिक करना है, ये वाला पर, ओके, माइक पर, इस माइक क्लिक करेंगे, देखिए ऐसा हो गया। आपको एकदम रेडी होकर के इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, जैसा कि मैं देखिए स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए स्टार्ट हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, आप लोग कैसे हैं, कहाँ से, जो भी मतलब ऐसा ब्लॉग का आपका होगा, आपको ऐसे करके यहाँ पर रिकॉर्ड दोस्तों करना है, उसके बाद सीधा आपको यहाँ पर स्टॉप करना है, जहाँ पर लगता है कि स्टॉप कर दें, स्टॉप करके यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए आवाज़ हो गया, इसको फिर यहाँ पर सेव कर देंगे दोस्तों, मतलब अलग से वॉइस ओवर, ऐसा आप किसी भी वीडियो के लिए कर सकते हैं। जैसा कि मैं बोलूँ तो यहाँ पर गेमिंग वाले भी कर सकते हैं, गेम खेल करके यहाँ पर आवाज़ ऐसा डाल सकते हैं उसमें, ठीक है, फैक्ट वाले भी डाल सकते हैं, कोई भी ऐसा कर सकते हैं, ओके दोस्तों। यहाँ पर माइक लगा हुआ है तो आप लोग को दोस्तों शायद आई होप कि सुनाई देता होगा, ओके। तो यही तरीका दोस्तों सारा वीडियो में आपको, जैसे भी ये वाला है मान लीजिए यहाँ से कट है ना, इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर भी देखिए आवाज आपको सुनाई देगा अलग, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं चला रहा हूँ, देखिए है ना, तो इस पर भी आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसका आवाज़ जो है डाउन कर देना है बस, और इसके बाद यहाँ से आपको वॉइस ओवर कर देना है, ओके। और इस वॉइस ओवर का अगर आवाज़ आपको कम लगता है तो फिर से इसी पर क्लिक करके वॉइस ओवर पर इसका आवाज़ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अगर ज़्यादा होगा तो, ठीक है, मतलब 100 पे हम लोग मतलब नॉर्मल रखते ही रखते हैं। तो ये हमारा दोस्तों आप लोग सीख गए कि इसमें कैसे मतलब टुक टक का आवाज़, इमेज कैसे लगाना, जैसे कि इमेज मैंने यहाँ पर लगा के दिखाया, इसको छोटा बड़ा भी कैसे करना है, सारा कुछ आपको मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर इतना करके दोस्तों आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर देना है, यहाँ से देखिए ये ना एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है दोस्तों, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है। अब इसको आप चाहे तो जितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके नेट की स्पीड के हिसाब से, आप मोबाइल जो आपका सपोर्ट करता हो, ठीक है, तो मेरा मोबाइल यहाँ तक सपोर्ट करता है दोस्तों, हाई में इतना आधा, तो मैं यहाँ पर सपोर्ट में इतना ही करके इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर 30 भी रख सकते हैं, 60-50 जो भी रखना रख सकते हैं, जितना आपका मोबाइल सपोर्ट करता हो दोस्तों, ठीक है, उसके हिसाब से करके यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देंगे। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर भी कुछ ना कुछ सीखने की ललक है दोस्तों, और जो क्रिएटर कुछ सीखने का ललक रखता है, मतलब चाहत रखता है कुछ सीखने का कहीं से भी, तो
उस क्रिएटर को कोई रोक नहीं सकता। आज नहीं तो कल आप भी एक बड़े क्रिएटर बनकर उभरेंगे दोस्तों। मतलब कहने का मतलब है कि आप भी एक बड़ा यूट्यूबर जरूर बनेंगे, क्योंकि आपके अंदर मैं देखा कि सीखने का ललक है दोस्तों, इसलिए उस समय से अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके दोस्तों, अगर आगे और भी चाहते हैं कुछ इस चैनल से आप सीखना, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।